तो नए राइडर क्या करते हैं, किस तरह के सिचुएशन में बैलेंस खो देते हैं और इतना लेफ्ट चलने के वजह से क्या होता है कि वो एकदम से ऑफ रोड हो जाते हैं और जो बाइक है वो नीचे उतर जाती है, तो ये गलती हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, नए राइडर जो नया नया बाइक को चलाना सीख रहे होते हैं तो वो बाइक चलाते समय बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनके वजह से बाइक के इंजन को भी नुकसान होता है और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही 10 गलतियों के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि इनमें से कुछ गलतियाँ तो पुराने राइडर्स भी करते हैं, तो आज का ये वीडियो इंजन के हेल्थ और रोड सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही इस तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड्स, पहली गलती जो है वो क्लच से जुड़ा हुआ है, क्लच लीवर से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अक्सर नए राइडर क्या करते हैं कि या तो कोई पैनिक सिचुएशन हो, ठीक है, या भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाए, तो उस टाइम पे गलती ये करते हैं कि बिना क्लच लीवर को पूरा दबाए हुए लगातार गियर को चेंज करते रहते हैं और ये आगे चल के हैबिट बन जाता है। मैं आपको बता दूँ कि देखिए, सिचुएशन कुछ भी हो, आप नए राइडर हो, नया नया बाइक को चलाना सीख रहे हो, तो आपको अच्छी आदतें सीख लेनी चाहिए और बेस्ट ये है कि जब भी आप गियर को चेंज करो, चाहे अपशिफ्ट करो चाहे डाउनशिफ्ट करो, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं कि क्लच लीवर को पूरा प्रेस करें उसके बाद ही गियर को चेंज करें, क्योंकि जब आप क्लच को आधा या उससे कम दबाकर गियर को चेंज करते हो, गियर तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताऊं दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन दिक्कत आता है क्लच प्लेट के साथ, ठीक है, जो क्लच प्लेट है वहां पर नुकसान होता है, साथ ही जो गियर के टिप्स वगैरह है वो सही से एंगेज नहीं हो पाते हैं और इस वजह से गियर बॉक्स और क्लच प्लेट वगैरह को नुकसान होता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप क्लच को पूरी तरह नहीं दबाकर गियर को चेंज कर रहे होते हो तो उससे जो पावर का लॉस है वो भी होता है, और यानी आसान लफ्जों में कहना हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही कम लेकिन माइलेज का ड्रॉप भी देखने को मिलता है। चलिए, अब जो अगली गलती है वो भी क्लच से ही जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में ही बहुत सारे लोग हैबिट ये बना लेते हैं, और हैबिट इस वजह से बनाते हैं क्योंकि देखिए, शुरू शुरू में रोड पे चलाएं थोड़ा सा डर तो लगता है, तो हम चाहते हैं कि ब्रेक तुरंत हमारा लग जाए, क्लच आराम से हम दबा ले, इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग गलती कि क्लच को, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे मैं अभी चला रहा हूं, क्लच लीवर को हल्का सा दबा के, ठीक है, अब चलाओ एक्सीलेटर लो, गाड़ी भागेगा भी, ठीक है, तो क्लच लीवर को हल्का सा दबा कर लगातार चलते रहते हैं, ठीक है, गियर को चेंज करना हो गियर को चेंज कर लेते, फिर भी पूरा नहीं छोड़ते, ऐसा पूरा नहीं छोड़ते, ठीक है, हल्का सा दबा के चलते हैं। अब ऐसा करने से तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्लच प्लेट आपकी बाइक का बहुत जल्दी जल जाएगा अगर आप इस हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। दूसरी बात, इंजन जो भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, पेट्रोल जितना भी जल रहा है गाड़ी के अंदर में, ठीक है, और उससे जो पावर रिलीज हो रहा है वो पूरा का पूरा पावर पीछे चक्के तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि जब आप क्लच को हल्का सा दबाकर चल रहे होते हो तो उस टाइम पे जो पोजीशन हो जाता है वो ना तो क्लच पूरी तरह से इंगेज होता है ना ही डिसइंगेज होता है, और ये भी एक डेंजरस सिचुएशन होता है और इससे भी पावर का लॉस होता है। अगली गलती है लेफ्ट कॉर्नर राइडिंग। अब देखिए, नए राइडर क्या करते हैं कि इस तरह का जब टू वे हो, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हो, या फिर वन वे हो, एक तरफ से ही गाड़ी जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, खासकर नए राइडर क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड से होके चलते हैं, ठीक है, बायां होके चलते हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलना भी चाहिए क्योंकि शुरू में एक्सपीरियंस कम होता है, डर ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन गलती ये करते हैं कि लेफ्ट के चक्कर में क्या करते हैं कि ये देखिए जो बॉर्डर है रोड का, इससे भी लेफ्ट चलते हैं, यानी कि एकदम इस तरह से चलेंगे, लेफ्ट साइड से चलेंगे। अब देखिए, अगर ज़्यादा थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है, ट्रैफिक वाला रोड है, वहाँ पे गलती ये हो जाता है कि आप लगातार अगर इस तरह से लेफ्ट होके चलते रहोगे तो प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाता है। इन केस अगर
आपके राइट साइड से कोई भी गाड़ी तेजी से आपको ओवरटेक कर रही होती हो, तो नए राइडर क्या करते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में बैलेंस खो देते हैं और इतना लेफ्ट चलने की वजह से क्या होता है कि वो एकदम से ऑफ रोड हो जाते हैं और जो बाइक है वो नीचे उतर जाती है, तो ये गलती हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि देखिए ये जो आप वाइट लाइन देख रहे हो ये बेसिकली रोड का बॉर्डर है और मोस्टली आप हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इस वाइट लाइन के हम थोड़ा इधर ही लगातार चले, तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट नहीं जाना है। अब यहाँ पे एक और गलती होता है, जो लेफ्ट कॉर्नर राइडिंग है वहाँ पे एक और गलती ये हो जाता है कि देखिए जब भी पास लेने का सिचुएशन आ जाता है तो मोस्टली नए राइडर ये गलती करते हैं कि ऑलरेडी लेफ्ट से चल रहे हैं, बहुत सट के चल रहे हैं इधर से, और पास लेना हो तो बायां साइड प्रीफर करते हैं, खास करके नए राइडर बाएं साइड से ही पास लेते हैं। ऐसा करना भी बहुत ही डेंजरस है, कुछ हद तक पुराने राइडर इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेते हैं, लेफ्ट से पास हालांकि नहीं लेना चाहिए लेकिन ले लेते हैं क्योंकि इंडिया में इस तरह का कंडीशन ही रोड का है, ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा कि पुराने राइडर हो तो एक तो लेफ्ट से चलाओ ठीक है, लेकिन लेफ्ट से पास बिल्कुल नहीं ले। पास अगर लेने का मन है या सामने वाली गाड़ी बहुत हल्का चल रही है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप पास ले सकते हो, तो आपको आना पड़ेगा इस तरफ, राइट साइड में आए, हॉर्न को दबाए, अगर रात में है तो इंडिकेटर जो पास होता है पासिंग लाइट होता है उसे जलाए और फिर पास ले। तो आप इस बात का ख्याल रखें और एकदम कोना पकड़ के साइड से बिल्कुल गाड़ी को अपने बाइक को नहीं चलाए। अगली गलती जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ब्रेक्स को लेकर। देखिए बेस्ट यही होता है कि चाहो तो आप एक उंगली अपना आगे का जो ब्रेक लीवर है वहाँ पे रखो, चाहे दो उंगली रखो ठीक है, जैसा आपका राइडिंग स्टाइल आप वैसा रखो, और पैर भी जो हमारा जो पीछे का जो ब्रेक है वहाँ पे रखना चाहिए उसके लीवर में, ये तो सही तरीका है। लेकिन नए राइडर्स ठीक है पैनिक सिचुएशन की वजह से, घबराहट की वजह से गलती क्या करते हैं कि जो आगे का ब्रेक है उस पर सिर्फ उंगली नहीं रखते हैं, वो हल्का सा ब्रेक को देखिए इस तरह से हल्का सा ब्रेक को दबा कर अपने गाड़ी को चलाते हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए भी चलाते हैं ताकि जब अगर सिचुएशन आ जाए ब्रेक मारने का तो वो फटाफट से ऐसे ब्रेक लगा दे, तो थोड़ा टाइम बच जाए, इस चक्कर में ये गलती अडॉप्ट हो जाती है। मैं आपको बताऊं इससे भी नुकसान होता है, देखिए आपका जो बाइक का ब्रेक शू है आगे का और पीछे का वो जल्दी घिस जाएगा और यहाँ पे भी पावर का लॉस होता है, तो इस गलती को भी अडॉप्ट नहीं करें, उंगली को रखे और पीछे जो पैर है वहाँ पैर को भी रखे आप, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि इन्हें दबा के नहीं रखना है और सिर्फ सिंपली यहाँ पे उंगलियों को रखना है। अगली गलती है स्पीड गियर सिंक्रोनाइजेशन, और ये एक ऐसी गलती है जो कि नए राइडर तो करते ही है लेकिन पुराने राइडर भी करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए आपकी गाड़ी का इंजन जितनी भी कैपेसिटी का है और उसमें जितना भी गियर्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस गियर में किस स्पीड में चलाना चाहिए। अब देखिए नए राइडर के साथ दिक्कत कहाँ पे आता है, एक तो गलती नए राइडर ये करते हैं कि कम गियर में एक या दो गियर हो या तीन गियर तक चले जाए और वहाँ पे एक्सेलरेटर लेते रहते, गाड़ी भागता ही नहीं है लेकिन गियर को नहीं बढ़ाते, ये गलत है। और दूसरी गलती यहाँ पे लोग ये भी कर देते हैं, खास करके नए राइडर ही करते हैं कि देखिए जब भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाता है तो घबराए हुए ऐसे ही होते हैं कि कहीं किसी चीज़ सट नहीं जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए ठीक है, कुछ गलती नहीं हो जाए, उस चक्कर में क्या करते हैं कि देखिए स्पीड तो कम कर लेते हैं, ब्रेक लगा के स्पीड तो कम कर लेते हैं लेकिन गियर को चेंज नहीं करते, और यहाँ पे गलती ये करते हैं कि गियर को ज़्यादा रहने देते भीड़ भाड़ में और स्पीड कम रखते और यहाँ पे एक्सीलेटर लेते रहते। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा गलत है, मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा करने से हर तरह से नुकसान हो रहा है, गियर बॉक्स को भी नुकसान हो रहा है ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आप गियर को ज़्यादा रखे हो स्पीड कम रखे हो तो क्लच को भी नुकसान होता है, और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो नुकसान होता है वो होता है पावर लॉस का, पावर वेस्ट होता है और माइलेज कम होता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बाइक का इंजन का जो कैपेसिटी है, जो इंजन का सीसी है और जो गियर्स वगैरह को दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको किस स्पीड में कौन से गियर में चलाना चाहिए, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली गलती है सडन एक्सेलरेशन। कई बार राइडर ये गलती करते हैं कि देखिए क्या करते हैं, एकदम से सडनली तुरंत से एक्सेलरेट करते हैं ठीक है, इस तरह से
सडन एक्सेलरेशन करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए आप ध्यान दें कि पुराने राइडर इस सिचुएशन को बहुत ही आराम से हैंडल कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नए राइडर आप हो, अगर आप सडन एक्सेलरेशन लोगे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सामने वाली गाड़ियों से क्रैश होने का चांसेस होता है, अगर हार्ड ब्रेकिंग कर दो तो स्कीडिंग का चांस भी बढ़ जाता है। तो आपको जो सडन एक्सेलरेशन है वो कभी भी लेने से बचना चाहिए, खास करके जब आप नया नया अपने बाइक को चलाना सीख रहे हो। अगली गलती ब्रेक से जुड़ी हुई है। अब देखिए बाइक्स में क्या होता है कि अलग अलग टाइप का ब्रेक दिया होता है। कुछ बाइक ऐसे होते हैं जहाँ पे आगे फ्रंट में ड्रम, पीछे भी ड्रम होता है। कुछ बाइक में आगे डिस्क, पीछे ड्रम होता है। कुछ बाइक में दोनों में डिस्क होता है, सिंगल चैनल ABS होता है, डबल चैनल ABS होता है। तो अलग अलग टाइप के ब्रेक का जो कॉम्बिनेशन है उसे दिया जाता है। तो पहली बात तो अगर नए राइडर हो तो आपके लिए तो बेस्ट यही है कि चलाना सीख रहे हो तो आप ऐसा बाइक को चुनो जहाँ आगे भी ड्रम हो, पीछे भी ड्रम हो। तो वहाँ पे अगर ब्रेकिंग करते हो तो स्कीडिंग वगैरह का चांस कम होता है। अगर आप नॉर्मल ब्रेकिंग करते हो, हार्ड ब्रेकिंग की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो संभाल लोगे आप। लेकिन जब डिस्क आ जाता है, खास करके क्या होता है कि फ्रंट में डिस्क तो होता ही आज के टाइम पे, तो अगर आप डिस्क ब्रेक अप्लाई करते हो तो इसकी हैबिट आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। इस तरह के खाली रोड में आप हैबिट करें कि डिस्क ब्रेक को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक के साथ दिक्कत ये है कि जब आप डिस्क ब्रेक को बहुत ज़्यादा प्रेस कर देते हो तो बाइक अचानक से रुक जाता है। और पुराने राइडर के लिए बहुत ही आम बात होती है, लेकिन नए राइडर के लिए जब अचानक से बाइक रुक जाए तो स्कीडिंग का, हैंडलिंग का, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम वगैरह आ ही जाता है। तो बेस्ट है कि अगर डिस्क ब्रेक दिया गया है और दोनों में डिस्क है तो भी आप ब्रेकिंग का इस तरह के खाली रोड में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, और उससे क्या हो जाएगा कि आपको हैबिट हो जाएगा कि आपके बाइक में आपको किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में ब्रेक्स को अप्लाई करना है। साथ इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए जब नया नया बाइक सीखते हैं और खाली रोड मिलता है तो बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही शौक होता है कि हम हाई स्पीड में चलाएं, ठीक है। खाली रोड मिलते ही हम हाई स्पीड में चलाने लगते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या होता है कि अचानक से अगर इस तरह के रोड में है, कोई भी रोड हो, वहाँ पे क्या होता है कि कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगा दे, सामने से कोई गाड़ी आ जाए, तो वहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि फिर बिना सोचे समझे, क्योंकि नए राइडर है, आता तो चलाना अच्छी तरह है नहीं, पूरा आगे का पीछे का ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अच्छा रोड होने पे भी स्कीडिंग का, क्रैश का, एक्सीडेंट का चांस होता है। तो कुछ दिनों तक जब तक आप अच्छे राइडर नहीं बन जाते हो और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है तो खाली रोड देख के भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट अपने बाइक को नहीं करें आप। अगली गलती इंडिकेटर से जुड़ी हुई है। अब देखिए इससे जुड़ी हुई दो बातें हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आपको हमेशा सही टाइम पे इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहिए। राइट मुड़ना है तो आप राइट जलाओ, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट जलाओ। नए राइडर जलाते ही नहीं है क्योंकि उनका ध्यान ही रहता है गाड़ी चलाने के ऊपर इतना ज़्यादा कि वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, इससे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। अब देखिए अगली गलती ये भी करते हैं बहुत सारे लोग, और नए नए सिर्फ पुराने राइडर्स भी करते हैं कि इंडिकेटर को जला तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो, जला के छोड़ देते हैं, लेफ्ट राइट मुड़ते रहते हैं। दिन में कहीं ना कहीं तो चलिए चांसेस कम होता है एक्सीडेंट होने का, लेकिन रात में अगर आप ये गलती कर रहे हो, इंडिकेटर को जला ले रहे हो और उसके बाद उसे बंद नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपके पीछे जो गाड़ी है उसे बहुत ही गलत इंडिकेशन जाता है। अब देखिए सिचुएशन अगर ऐसा हो जाए कि आपने लेफ्ट इंडिकेटर जला रखा है, लेफ्ट में मोड़ भी है, ठीक है, लेफ्ट टर्न है, तो पीछे वाला जो गाड़ी वाला है वो तो यही एंटिसिपेट करेगा कि हाँ भाई आप लेफ्ट मुड़ने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, वो आपकी राइट से गाड़ी पास करने की कोशिश करेगा, ठीक है, दाहिने साइड से। लेकिन चूंकि आपको तो मुड़ना है नहीं, आपने गलती से जला रखा है, तो इन केस अगर आप गलती से बीच में आ गए तो हो जाता है एक्सीडेंट। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इंडिकेटर्स पहली बात यूज करें, सही समय पर यूज करें और सही समय पर उसे बंद भी करें।
अगली जो गलती है वो इन मिरर्स को लेकर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नए राइडर का कोई रोल नहीं है, नए हो पुराने हो, इंडिया में कल्चर सा बन गया है कि जैसे ही लोग अपनी नई पुरानी बाइक को खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स जो हमारे मिरर्स है उन्हें खोलते और हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसे उनके बाइक का जो शो है, जो शोभा है वो बिगड़ जाता है। जबकि इन रियलिटी ये जो इंडिकेटर्स है वो आपके बाइक के लुक को बढ़ाने के लिए होते ही नहीं है, ये रोड सेफ्टी के लिए होते हैं। अब देखिए पुराने राइडर नहीं मानते हैं मैं क्या बोलूं, लेकिन कम से कम जब नए राइडर हो आपको हो तो शुरू में ही आप आदत डाल लो, इन मिरर्स को पहली बात तो आप लगे रहने दो, ठीक है, और इन मिरर्स को आप यूज भी करो, सही तरीके से यूज करो। क्योंकि देखिए मैं भले ही कितना पुराना राइडर हो गया हूं, मैं अभी भी जो भी गाड़ियों को चलाता हूं मैं वहां पर कोशिश करता हूं कि वहां पर मिरर को लगा हुआ हो, और मैं अपने किसी भी गाड़ी का मिरर कभी नहीं हटाता हूं। देखिए यूज करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग गलती यहां पर नया राइडर ये कर देते हैं कि मिरर में देखते वक्त क्या करते हैं कि आगे से पूरी तरह से फोकस हटा देते हैं, पूरा फोकस मिरर में डाल देते हैं कि क्या है पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। ऐसा करना गलत है, मिरर को भी देखने का एक तरीका है, हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है और आपका भी अलग तरीका होगा। लेकिन देखिए मैं क्या करता हूं कि सिंपली एक झलक देखना आपको, सिर्फ हार्डली एक सेकेंड दो सेकेंड के लिए देखना, ऐसा नहीं कि बस घुस गए देखे जा रहे कहां आ रहा कहां नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो सिंपली एक झलक देखे, आपने एंटीसिपेट कर लिया गाड़ी कौन सी है, जस्ट फिर सामने फोकस करें। आप लेफ्ट साइड का मिरर को भी यूज कर सकते हो, अलग अलग सिचुएशन में दोनों मिरर यूज कर सकते हो। हालांकि बहुत से लोगों को लगे क्या बकवास है मिरर कौन यूज करता है, लेकिन देखिए जो बाइक चलाते हैं या कोई भी गाड़ी को चलाते हैं और जिन्हें मिरर को यूज करना सही से आता है वो आपको जरूर बता देंगे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे भी एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अगली गलती है ब्लाइंड स्पॉट राइडिंग। खास करके मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे जब हम अपने बाइक को चलाते हैं और नए राइडर आप हो तो देखिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो बड़ी गाड़ियों के पीछे आप बहुत ज़्यादा सट के नहीं चले, बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने से पहले बहुत ही अच्छी तरह देख ले कि सिचुएशन कैसा है, बड़ी गाड़ियों को कभी भी लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करे, बड़ी गाड़ियों के पीछे 50-60 की स्पीड में नहीं चले, और भी बहुत सारी बातें हैं। वैसे बड़ी गाड़ियों या फिर ब्लाइंड स्पॉट राइडिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे फ्रेंड्स नए राइडर तो और भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, अगर आपको इस टॉपिक का पार्ट टू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप किसी भी राइडिंग सिचुएशन के ऊपर में वीडियो चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।